1713 5 3 67 ने पूज्य श्री कंजी स्वामी नो श्री दौलतराम जी कृत 6 डाला 5वें डाला श्लोक 10 11 ऊपर पुराण पुरी का प्रवचन सरंग प्रवचन नंबर 43 नमो लोये सौरियंतानम नमो लोये सौरियंतानम नमो लोये सौवायिर्यं नमो लोये सौजायनम नमो लोये सौत्रिकावर्ति सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान् यो मंगलं भूतमुनि मंगलं कुन्कुमारी उजेन्द्रमोक्षमंगलं नमः समर्पयामि स्वानुभूत्या चास्ति चित्स्वाय भवाय सर्वम् राम जी कृत छठावा है उसमें 5वीं डाल चलती है 10वीं संबर भावना संबर भावना 8वीं है यहाँ गाथा 10वीं है जो संबर भावना किसको कहते हैं कि आश्रव का रोकना यह संबर है भावा से भावा तो आश्रव क्या कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा मिथ्या आदि आश्रव रूपते हैं। पहले तो अपना शुद्ध आनंद स्वरूप उसका अभेद स्वभाव की दृष्टि अनुभव में करके मिथ्यात का आश्रव रूपते हैं। आया जो ढाल लिया है ना ढाल लिया है जो उसमें चित्र में ढाल ढाल होती है ना ढाल शस्त्र को रोकने की ढाल होती है भैया। ऐसे क्या आत्मा शरीर कर्म पुण्य पाप का भाव से रहित और अपना शुद्ध आनंद आदि आनंद गुण सहित ऐसा अपना शुद्ध स्वरूप एक रूप आनंद रूप उसका अंतर में एकाकार होकर अनुभव की दृष्टि करके सम्यक दर्शन प्रकट करना पूरी मिथ्यात रूपी आश्रव रोकने की ढाल है। समझ में आया ढाल ढाल के देखो अब उसमें नाम ही छठाला है ना छठाला ढाल मिथ्या श्रद्धा जो आत्मा पूर्ण अनंत शुद्ध आनंद कंग है उसको एक समय का अंश जितना मानना अर्थात उसको पुण्य पाप का विकार वाला मानना और उसको शरीर कर्म सहित ही आत्मा मानना और शरीर कर्म आदि पर पदार्थ की क्रिया करने वाला मानना ये मिथ्या आश्रव है। जैन किसको कहना संप्रदाय में जन्मे जैन जैन हो गई भगवान आत्मा जो अपना पूर्ण स्वरूप शुद्ध एक रूप उसकी अनादि से दृष्टि छूटकर पर पदार्थ अपने से भिन्न उसका वो कर्ता मानते हैं तो कर्ता मानते हैं तो अपने को और पर को एक माने बिना पर का कर्ता मान सकते नहीं बराबर है देवचंद जी। अपने सिवाय पर पदार्थ शरीर वाणी कर्म आदि जड़ अथवा अन्य जीव उसका कार्य मैं कर सकता हूँ और मैं उसका कारण हूँ उसका कार्य का ऐसे मानने वाला पर द्रव को ही अपना
एक रूप मानते हैं, पर से पृथक मानते नहीं, तो उसका नाम ही मिथ्याद भाव है। दूसरा, शुभ ने अशुभ भाव, जो पुण्य पाप विकार भाव है, कि मलिन विकृत उपाधि विभाव है, उसका भी मैं करने वाला ऐसे मानने वाला, वो विकार को ही अपना स्वभाव में अपनाते हैं और अपना मानते हैं, उसका नाम मिथ्या दर्शन आश्रव है। कौन हमारा को कह दो, तू भाषण को कह दो, तुम्हारे आर्यन को कह, तुम को कह तो कहीं भाषण कही, बट हिम्मत भाई बता भेगा थी गया। हाँ जेठा समझे समय जयंती भाई लियो, हाँ को खाया कह तो तू हमने आया था ना जयंती भाई के बनिया मारी एक लिखपण है यहां बड़ी यू थी गो कि मैं कहीं કરવા જેવું લાગે છે અહીં રહેવા જેવું લાગે એવું થઈ ગયું સાંભળીને એમ બોલ્યા તમે બિચારા એમને તો ભાષણો કરીએ ભાઈ મેં તમારું નામ આપ્યું બધા હિંમતભાઈ ને જેવું બધા ભેગા થઈને અરે ભાષણ કોણ કરે આ જળની પર્યાય દુસરા કોણ સુધાર શકે પરકી પર્યાય અહીંયા તો કહેતે હૈ कि अपने में पुण्य ने पाप का भाव जो शुभ शुभ है कोई अपना स्वरूप में नहीं, तो उसका करता हो तो उसकी दृष्टि विकार ऊपरी है, विकार ऊपर दृष्टि होने से निर्विकारी भगवान सच्चिदानंद उसका दृष्टि में अनादर है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। अनंत काल में उसने क्या आत्मा और क्या विकार और क्या पर, उसका कभी भेद ज्ञान क्या ने, भेद ज्ञान ही संभर है, संभर है ना, देखो भेद ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान। धर्मदास सुलक कहे हेम राज तुम मान, भेद ज्ञान तो क्या कि आत्मा की शुभ अशुभ कृत्रिम क्षणिक से भी भिन्न है और परद्रव्य से तो त्रिकाल भिन्न है ही, और अपना स्वरूप में वर्तमान में अल्प ज्ञान दर्शन वीर्य का विकास जो दिखते हैं ये एक समय की अवस्था है, ये पूर्ण आत्मा नहीं। तो अवस्था की दृष्टि छोड़कर, शुभ अशुभ भाव की प्रीति रुचि छोड़कर, पर की रुचि छोड़कर, अपना अखंड विनायक स्वभाव में अंतर्मुख में अंतर दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन रोकने को ये ढाल है। समझ में आया? हुक्मचंद जी, महासत्ता का प्रश्न क्या था जिस तरह उसको, महाभगवान आत्मा कहे जिन पुण्य पाप नहीं किना आचम अनुभव चित दीना, तिन ही विद्यावत रोके संवर लय सुख अवलोके। इतना शब्द गागर में सागर फर दिया है दौलत राम जी एक कड़ी में, जिन पुण्य पाप नहीं किना, दूसरी बात तो कहां रही, तो किना प्रवचन से पर का कर्म तो क्या रहा, पर शुभ ने अशुभ भाव भी मेरी चीज नहीं, उसको भी दृष्टि में से छोड़कर आत्म अनुभव चित दीना। भाई यहाँ किना शब्द से ने ऊपर वजन छाखू, जिन पुण्य पाप नहीं किना, जिन्हें भगवान आत्मा ऊपर
अंतर चिंतन की एकाग्रता द्वारा शुभाशुभ भाव का कर्ता न हुआ और पुण्य पाप का ऊपर ने लक्ष्य जिसने छोड़ दिया। आत्म अनुभव चित बिना एने आत्मा भगवान अना को आनंद का भंडार भराया आत्मा। महा आनंद का लाभ ऐसे जो मोक्ष, उसका कारण जो मोक्ष मार्ग, उसका कारण जो आत्मदृष्ट। महा आनंद का लाभ जो मोक्ष, समझ में आया मोक्ष की व्याख्या उपला गया है। महा आनंद का लाभ मोक्ष आ गया नहीं है, नियम शरण आ गया, नियम शरण। महा आनंद का लाभ अपनी पर्याय में अतिंद्री महा आनंद का लाभ और मोक्ष, उसका कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अपूर्ण अपूर्ण अल्प आनंद रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अल्प आनंद रूप महानंद रूप का कारण मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण दृढ़ स्वभाव, समझ में आया। दृढ़ नाम वस्तु एक समय में सचिदानंद पूर्ण शुद्ध शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन शुद्ध आनंद आदि एक रूप वस्तु द्रव जिसको यहाँ कारण परमात्मा नियम सारमा कहा, यहाँ उसको द्रव कहा, ध्रुव कहा। ये ध्रुव मोक्ष मार्ग की पर्याय का कारण, मोक्ष मार्ग की पर्याय मोक्ष का कारण। तो मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय का कारण द्रव स्वभाव, समझ में आया है? क्या थोड़ा है ना, उसमें अभी मोक्ष मार्ग है, पूर्ण नहीं। पूर्ण तो मोक्ष हो तब तब होता है ना, पूर्ण मोक्ष पर्याय तो पूर्ण आनंद होता है, चारे होता है। अब तो कारण रूप अल्प शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो तो मोक्ष हो जाए। नहीं, सम्यक दर्शन अल्पता नहीं, इस सम्यक दर्शन ज्ञान में अल्प आनंद है, मोक्ष मार्ग में अल्प आनंद मार्ग है ना, कारण है ना, काय हुआ तो पूर्ण आनंद हो गया। उसका आश्रय जो करने सम्यक दर्शन का आश्रय है वो तो पूर्ण आनंद आत्मा द्रव है, पर आनंद की प्रतीत हुई उसमें आनंद आया है वो अल्प आनंद आया है। पूर्ण आनंद प्रकट हो जाए तो मोक्ष हो जाए, समझ में आया? तो वही कहते हैं कि आत्म अनुभव चित बिना, जो उपासना कैसी है कि जिसने पुण्य पाप नहीं किया, शुभ अशुभ भाव, दूसरी बात तो क्या रहा, शरीर कर्म बाह्य पदार्थ का कार्य तो नहीं, पर शुभ अशुभ भाव पर न किया, उसने आत्म अनुभव चित दिया। आत्मा अखंड विनायक मूर्ति है, उसमें उसका मन लगा, क्या हुआ? अनुभव शब्द शुद्ध उपयोग है, वो शुभ शुभ भाव है ना, पुण्य ने पाप शुभ शुभ भाव है, ये आश्रव है, तो उसको रोककर अर्थात वो तरफ का लक्षण है, कर्तापना की बुद्धि छोड़कर भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आत्म तत्व है, उसमें चित लगाया तो शुद्ध उपयोग में आत्मा का भान हुआ कि आ आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, ऐसा शुद्ध भाव हुआ। आ उसके अशुद्ध भाव रुकते हैं, उसके कर्म भी रुक जाते हैं। आए आ तो बहुत ऊंचा शब्द में किया उसने, सागर में सागर भर दिया है। अच्छा ठाला तो बहुत चलती है कि नहीं, पर अर्थ में समझे नहीं।
आत्म अनुभव चित देना, तीन ही विधि आवत रोके डाल। इनमें विधि नाम आठ कर्म उसमें लिया है ना, दो बाजू डाल, चार एक बाजू चार कर्म, एक बाजू चार कर्म, ये घाती न घाती। भगवान आत्मा अपना स्वभाव में शुद्धता रूपी दृष्टि और ज्ञान के कारण अंतर में रुका तो उसको पुण्य पाप का भाव आदि बंध आदि रुक जाते हैं, पीछे हैं। विधि आवत रोके वो रुक गई, संवर लई सुख अवलोके, मां शब्द पड़ा है। भगवान आत्मा जिसमें परम महा आनंद है, अतिंद्री अतिंद्री अनंत अनंत अचिंद्री सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा, इस सच्चिद आनंद शाश्वत आनंद, उसका अंतर एकाग्र होते हैं। कहते हैं संबर क्या, कि जिसमें संबर नहीं सुख साक्षात्कार करे, आनंद का साक्षात्कार करे, है संवर लय सुख और जो आपने अर्थ किया है साक्षात्कार, ये हिंदी में भी हो जाता है। जो अनादि काल का शुभ अशुभ भाव और पर वस्तु का कर्ता, ऐसा जो मिथ्या भाव, वो दुख का वेदन करने वाला था, वो दुख का वेदन करने वाला था भैया, समझे? पुण्य पाप का भाव ने किया, ऐसा विकार को निर्विकारी स्वभाव में एकत्व करके कर्ता होते थे, तो त्या ब्रह्मणा मिथ्या भाव उत्पन्न होते थे, और मिथ्या भाव में अकेला दुख था। समझ में आया? ये दुख का नाश अपना स्वरूप पुण्य पाप का विकल्प से, कर्म शरीर से तो रहित है ही, क्यों तो कर्म शरीर तो आत्मा की एक समय की पर्याय में भी उसकी मौजूदगी नहीं है। कर्म शरीर की आत्मा की एक समय की पर्याय में भी कर्म शरीर अजीव की मौजूदगी नहीं है, समझ में आया? पर अपनी पर्याय में शुभ ने अशुभ जो विकार की मौजूदगी एक समय में है, समझ में आया? तो भाई एक समय में शुभ ने अशुभ दयादान काम क्रोध का शुभाशुभ भाव वो आत्मा की पर्याय नाम अवस्था में मौजूदगी हयाती है, उसकी भी रुचि छोड़कर विनायक चिदानंद पूर्ण द्रव्य स्वभाव में चित लगाया तो मिथ्या भाव का नाश होकर, अर्थात दुख का नाश होकर, अर्थात आत्मा का सुख का साक्षात्कार अवलोकन हुआ। है सागर माथे थोड़ो निकलो, आखो सागर नहीं निकलो, दुख नो भान नहीं थे शेनो देखा है, हरख ने पाटिया ने हरख ने पाटिया समझते भैया, देते नहीं वो वात पीत ने कब रोग नहीं होता है, सन्निपात है, त्रिदोष त्रिदोष होता है ना, वात पीत कब का रोग बहुत रोता है तो वो दांत काटते हैं, हंसते हैं कि सुखी है नहीं, ये अनुपया हनीपात वाला दांत काटते हैं, हनीपात है मिथ्यात अवरत अने कसाय, अथवा मिथ्यात अज्ञान अने कसाय, अचारित्र, ये तीन का उसको रोग लगा है, जैसे वात पीत ने कप सन्निपात त्रिदोष के कारण दुखी है, सत्य हंसते है दांत काटते, ऐसे अज्ञानी अनादि से अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद की दृष्टि से विपरीत दृष्टि
अपना स्वरूप का ज्ञान से विपरीत ज्ञान, अपना स्वरूप से विपरीत राजद्वेष का आचरण, और तीनों का त्रिदोष लगा है उसको। चेतन जी बराबर है, ये त्रिदोष के कारण उसको दुख है पूर्ण भान नहीं, मैं दुखी हूं कि नहीं खबर नहीं, आ दुख न चला तो कहीं मेरी जान पिया है तेजी क्या रोता तू हो तू है बोले बाइडी मेरी की तेजी तू हो तू तेजी हाँ ऐसे ऐसे कहीं बार याद नहीं पहुंच याद नहीं याद सुख सुख में रोना आते हैं कि क्यों दुख है पर भान नहीं कि हाने मजबूत शरीर 32 वर्ष का युवान और वाक्य के रूप में ऐसा घिराया लोगों देखे कभी थोड़ा एक कला घंटा में 10 दे चुप जाएगा वो होते हैं कि सुख है, है? मानता है ये कल्पना में अज्ञान मानते हैं दुख है हंसते दुख है ऐसे भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप की दृष्टि ज्ञान और लीनता छोड़कर मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान राग द्वेष का आचरण में रुक कर हम सुखी है ये है दुखी पूरा पर अज्ञानी अज्ञान से सुख मानते है सुख है नहीं मन भाई क्या मैशिया है कि दुनिया गांडा पागल हो गया क्या खबर पड़े सनीपात हो गया त्रिदोष में भान नहीं कहीं भान नहीं है ओहो एक शुभ राग उठना वो भी उन्माद दुख है आ समाधि शतक में उद्पाद स्वामी कहते हैं एक शुभ राग उठना उपदेश का कहते हैं भैया समझे राग है कि नहीं राग ही उन्माद है भगवान आत्मा वितराग अनाको आनंद कंद प्रभु है उससे शुभ राग भी आनंद से विपरीत है विपरीत है तो शुभ राग भी दुख रूप है अशुभ राग तो दुख रूप है ही पर शुभ राग है न अपना स्वरूप अनाकुल आनंद वितराग कंद उसमें से हटकर इस शुभ शुभ भाव दो दुख रूप है समझ में आया पण अज्ञानी को सुख की क्या चीज है अंतर में उसको मिलान करने की ताकत नहीं तो दुख को ही सुख मानते है समझ में आया आई तो कहते हैं कि जिन पुण्य पाप नहीं किना तीन ही आत्मय अनुभव चित दिना भगवान आत्मा शुभ शुभ भाव से पी रही ऐसा आत्मा में चित जिसके दिया उसने कर्म आने वाला को रुका रुका का अर्थ हो कोई आते थे न रुका ऐसा नहीं भाषा तो ऐसा है देखो तीन ही विधि आवत रोके समझ में आया अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसमें दृष्टि ज्ञान लगाया तो कर्म आते थे रोके उसका अर्थ क्या तो कर्म आते थे न रुक दिया अभी लिखा है ऐसा पर उसका अर्थ क्या कि उसको कर्म आते नहीं आने वाला था ही नहीं शिवचंद जी नहीं था ही नहीं
पर ये तो आने वाला तो जब विकार करते तो आने वाला था उसको लिमिट में, यहाँ विकार नहीं किया तो कर्म आने वाला है ही नहीं। पर आने वाला पूर्व आया था वो अपेक्षा वर्तमान रोका ऐसा कहने में आता है। अरे बात भाई समझ में आया है? वो पूर्व आया था वो तो पड़ा है कर्म कर्म पड़ा है बस इतना कहा ना, कोई रोकना ही नहीं है वो कहा। पर आ तो रोका क्यों कहा कि अपना स्वभाव में दृष्टि और ज्ञान दिया तो पहले नहीं दिया था जो आया था, ऐसे वर्तमान में आना नहीं आया उसको रोका ऐसा कहने में आया है। समझ में जरूरी सुख संपत्ति है फिर फेर समझ पाए तो नवारत्न है ने, मिथ्या पहले था तब तो मिथ्या दर्शन का रजगण आता था। समझ में आया? राग द्वेष था तो चारित्र मोह का रजगण आता था बस इतना। अरे यहाँ सम्यक दर्शन हुआ तो कर्म को रूका उसका अर्थ किया कि कर्म आने वाला ही नहीं था। आया न रूका वो है, ये तो शब्द कथन है। पूर्व का आने आया था ये अभी आया नहीं कर्म, क्योंकि यहाँ आत्मा की दृष्टि अनुभव हुई तो कर्म का आना उस समय में हुआ ही नहीं, हुआ नहीं उसको रोका ऐसा कहने में यही बात है भैया। उदय आया नहीं बात नहीं, उदय की कौन कहते हैं ये वो क्या आया आए, उदय की बात नहीं है आए तो नहीं नहीं तुम पकड़ नहीं सकते। यहाँ तो उदय की बात है, दुजर की बात वो कहीं आते हैं। यहाँ तो आत्मा पहले जब मिथ्या भाव करते थे और राग द्वेष करते थे तब कर्म आता था, कर्म रजकर्म उसके कारण से हो, कर्म कर्म के कारण से आता था बस इतना उपड़ा इतना। अरे जब आत्मा अपना स्वरूप में चित दिया तो कर्म आने वाला था ही नहीं, आने वाला है ना रुका ऐसा नहीं है, वो तो शब्द बताया ऐसा नहीं समझे जरी सूक्ष्म बात समझ में आया। आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद की मूर्ति उसको भूलकर पुण्य पाप काम करता होता है मिथ्या भाव में, तो नया कर्म उस समय आने वाला था उसकी योग्यता से आया बस इतना। अरे जब अपना आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट किया अपने में चित दिया तो शुभाशुभ हुआ ही नहीं, अपना स्वरूप में चित दिया तो मिथ्याद्भाव हुआ, मिथ्याद्भाव हुआ नहीं तो मिथ्याद्भाव से जो नया कर्म आने वाला था वो भी आया नहीं, बस आया नहीं उसको रोका ऐसे कहने में समझ में आया भाई भाई हुकम देंगे पूर्व की कर्म की बात नहीं है आए तो अभी नया कर्म नहीं आया, नया कर्म आने वाला था ना नहीं आया, तो एक शब्द की रचना है। अपना स्वरूप शुद्ध का मानना नहीं था और मैं विकार हूँ पुण्य पाप हूँ शरीर हूँ ऐसा विकारी अंश का अस्तित्व में और पर का अस्तित्व की मौजूदगी में अपना स्वरूप माना था तो मिथ्या भ्रांति थी, तो भ्रांति के निमित्त भ्रांति निमित्त और नया दर्शन वो आना उसका उपादान कारण से कर्म का उपादान कारण से कर्म आया उसको मिथ्या निमित्त कहा। समझ में आया देवचंद जी? और जब आत्मा से अपने चित्र दिया तो मिथ्यात का तो नाश हुआ, मिथ्यात का नाश हुआ तो मिथ्यात का रत्न जो पहले आता था या ना आया भी बड़ी बात शास्त्रनी रचना समझावे कैसे। अपना स्वरूप में चित दिया नहीं तो विकार हुआ नहीं तो नवा आवरण आने वाला वो आया ही नहीं, आया नहीं अर्थात आने वाला था ही नहीं। अरे भगवान समझ में आया।
क्या यहाँ सम्यक अंतर अनुदृष्टि हुई तो उस समय रजगुण आने वाला था मिथ्यात का, मिथ्यात भाव है नहीं निकल जाने वाला था। समझ में आया जरी सूक्ष्म बात। भाषा शास्त्र की ऐसी है कि अपना स्वरूप की दृष्टि चित लगाया तो उस समय मिथ्या भ्रांति तो है नहीं, तो भ्रांति है नहीं तो भ्रांति जो उसमें निमित्त पड़ता था ऐसा कर्म जो पहले आता था वो आया नहीं, आने वाला था ही नहीं। आइया है लोग नवो विषय लगे ना, आई तो बहुत कल की बात है। भ्रांति निमित्ति निमित्त आने वाला था ही नहीं, उसको उसका नाम निमित्त आने वाला कौन था, आने वाला हो तो कहीं विकार हो। समझ में आया, विकार ना हुआ तो आने वाला था ही नहीं। यही बात है, सात्विक बात ऐसी चीज है, अपना उपादान में जब भ्रांति थी कि मैं राग हूं पुण्य का करता हूं शुभ आश्रम का करता हूं, तब वो भ्रांति मिथ्या है। तब तो दर्शन मोह कर्म आता था उसके कारण, हो जड़ के कारण उसमें भ्रांति निमित्त पड़ती थी बस इतना। अभी जब भ्रांति छेद गई तो वो रत्कन आने वाला था ही नहीं। समझ में आया, गुरु का पड़ा है वो तो नाश हो जाएगा निद्रा में, वो तो कहेगा आ तो समर की बात है ना, आ तो समर की बात है, पूर्व का पड़ा है तो नाश होगा पीछे शुद्धता की वृद्धि के कारण, पर यह नया आने वाला था न रुका ऐसा नहीं है। अरे बात भाई कौन रोके, पर अभी आकर आते थे एम है, पर उसका अर्थ ये कि अपना शुद्ध स्वरूप में जहाँ चीत दिया तो भ्रांति हुई नहीं, तो कर्म आने वाला ही था नहीं, आ उसको कर्म रुका ऐसा कहने में आया है। समझ में आया प्रसन्न लाल जी, तत्व तत्व बहुत वो दृष्टांत कैसे है, आप तालाब जैसे तालाब है कि नहीं, उसमें छिद्र है वाहन लो वाहन नाव, नाव में छिद्र है तो पानी आते थे, छिद्र रुक दिया तो पानी आता था ना रुका ऐसा है, बस बूंद के पानी आते ही नहीं, पानी आने वाला है ही नहीं। पानी आने वाला है ही नहीं, छिद्र रुका पानी आने वाला है ही नहीं, ऐसे ही यार आदमी रुका तो आश्रा रजकन आने वाला है ही नहीं। स्वतंत्र पदार्थ है दो ही, भूल करते थे तो भूल निमित्त और नवा रजकन उपादान से आते उसको निमित्त कहते थे, या भूल निकल गई चित दिया आत्मा में तो भूल नहीं है, तो आने वाला रजकन पूर्वे जो आया था ये तो पड़ा है अभी नहीं है, नया आने वाला है नहीं, उसको रोका ऐसे कहने में आता है। को समझ में आते हैं, अरे यहाँ तो ठीक ये तो रोके में बड़ी अर्थ की होगी वादा मार, पर संवर लई सुख अवलोके उसमें चौथा पद में बड़ा पद पड़ा है, जो संवर भगवान आत्मा अपना स्वरूप में चीत लगाया तो शुभाशुभ परिणाम से चीत हटाया, तो चीत लगाया तो अंतर में आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद है उसको संवर नाम सम्यक दर्शन ज्ञान द्वारा अवलोकन हुआ, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद एक बात और उसकी साथ संवर हुआ तो वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ, उसका अवलोकन हुआ, आ शांति का वेदन हुआ, आ उसका नाम संवर कहते हैं। फिर कहते हैं थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म बात है, आनंद काव से मूल तत्व की बात है सुनी नहीं। भैया बोला कौन बोले, समझ में आया, भगवान आत्मा, आत्मा एटले क्या,
पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, शांति शब्द चारित्र गुण हो, गुण टीका आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्योंकि स्वभाव है ना, स्वभाव में मर्यादा न हो, मितता न हो, मित इतने हद न हो, बेहद ज्ञान, बेहद दर्शन, बेहद आनंद, बेहद शांति, बेहद वीर्य, बेहद प्रभुता, ऐसी एक एक शक्ति में अनंत शक्ति सामर्थ्य, ऐसा अनंत अनंत शक्ति का पिंड एक द्रव्य वस्तु, ऐसा द्रव्य में चित लगाया, समझ में आया। तो कहते हैं कि आत्मा का आनंद जो है उसका अवलोकन हुआ ज्ञान से और एकाग्रत हुआ है, तो जैसा आनंद है ऐसा आनंद पर्याय में भी वर्तमान में प्रत्यक्ष साक्षात का वेदन हुआ। साक्षात का क्यों कहा है, अवलोकिक अर्थ कि जैसा दुख का वेदन था वो वेदन करने वाला तो साक्षात वेदन करते थे न, मिथ्यात में, राग द्वेष में, विकार में दुख वेदन करते थे, ये दुखी है, मिथ्यात भाव, राग द्वेष भाव, दुख है तो वेदन करते थे, भान नहीं था, समझ में आया। यहाँ जहाँ आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम से ऊपर का लक्ष्य हटाकर अपना मूल शुद्ध स्वरूप पर चित दिया तो अंतर में जो आनंद है वो आनंद का अंश प्रकट वर्तमान हुआ, वो द्वारा सारा आत्मा आनंदमय है ऐसा प्रतीत में लिया और वर्तमान अतीन्द्रिय आनंद का अवलोकन साक्षात प्रकट है उसका विदन हुआ। समझ में आया। उबने शुभ एक है, टूटना क्या, शुभ शुभ पर दिशा पर दिशा लक्ष्य उत्पन्न होता है, अपना लक्ष्य करने में दो ही पर लक्ष्य वाला भाव उत्पन्न होता नहीं, शुभ शुभ भाव दो ही पर लक्ष्य उत्पन्न होता है, स्वलक्ष्य नहीं, समझ में आया। अरे भगवान, साक्षात्कार प्रत्यक्ष आनंद का प्रत्यक्ष वेदन हुआ, जी आनंद अंदर शक्ति में था, आत्मा में अतीन्द्रिय महानंद शक्ति में था, अप्रगट था, वो जहाँ चित दिया तो आनंद का अंश प्रगट पर्याय में आया, उसका साक्षात्कार किया, नाम प्रत्यक्ष वेदन किया, ये वेदन प्रत्यक्ष किया, वेदन कोई करते हैं नहीं, आनंद प्रज्ञा है ऐसा नहीं, प्रगट आनंदमय सुधा रसका स्वाद, संवर में सुधा रसका स्वाद। तो अंदर नहीं खोली ली मर्म बात से संवर चीज कोई ऐसी नहीं है कि ऐसा संवर हो गया, समझ में आया। ढांग पछेड़ा पुण्य पाप का विकल्प का था, ऐसा वस्तु निर्विकल्प चैतन्य का आवेदन हुआ, स्वाद आया। शिवचंद जी क्या ये आत्मा का आनंद का स्वाद आया, इस स्वाद को यहाँ प्रत्यक्ष कहने में आता, उसको साक्षात्कार कहते हैं। हुकुम सिंह जी समझे कि थोड़ा कदम पड़ते, तो आत्मा की अलौकिक बात है भैया, अनंत काल में उसने उप तरफ का प्रयत्न प्रयोग कैसे करना वो विधि नहीं सुना। आ, 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 आ। सारा संसार विकार, ये विकार संसार से रुचि हटाकर प्रथम में, अप्रथम में
है ना, आत्म अनुभव। सारा संसार का पुण्य पाप तो सारा संसार विकार है। भगवान आत्मा शांत, शांति और आनंद की शिला, आनंद की बर्फ की शिला, ऐसी चित जिसने उसमें दिया, पुण्य पाप का आश्रय जो दुख रूप था रुक गया, उत्पन्न होगा नया आवरण भी इस प्रकार का रुक गया। तो आत्मा में अतीन्द्रियाणा को शांति का जो स्वभाव था उसमें चित लगाया कार से एकाग्र हुआ, एकाग्र हुआ तो विकार में एकाग्र था तो दुख था, विकार में से हटकर चित चितियां लगाया तो आनंद की पर्याय प्रकट हुई। समझ में आया? आ उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। समझ में आया? दाल रखे जो ना आटे कर दाल थी गोयल बने संबर लही सुख यद लोके, एक शब्द में तो बहुत पड़ा है। गागर में सागर भर दिया है लोगों, पहला का पंडित की तो बहुत अच्छी बात थी, अभी गड़बड़ हो गया बहुत। देवचंद जी, तो देवचंद जी खबर है कि नहीं? ये बात भाई, आ तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर वितराग देव साक्षात केवल ज्ञानी कहा हुआ तो है। समझ में आया? अनंत तीर्थंकर चले गए, वर्तमान भगवान विराजते हैं महावीर क्षेत्र में, परमात्मा सिमंदर प्रभु आदि तीर्थंकर विराजते हैं। समझ में आया? जिसका ज्ञान के एक समय में अपनी पर्याय का पूर्ण अवलोकन में लोकालोक अवलोकन हो गया, अपनी एक समय की पूर्ण अवलोकन में यागला मचे थे मुझे ये मचे नहीं क्या कहा तो मुझे जी केवल नहीं क्या थे क्या रीति ध्यान दे लो भाई लोक शिव मुख कहो क्या थे एक शब्द ये वा मुख दशा नुवरण है तीर तीर भी है तीर मो श्लोक है छठा छठा नो तीर मो निज नाही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणयी तीर मो श्लोक है 175 पान हिंदी है भैया तीर में है छठी डाल का तीर मात्र निज माई लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे समझ में आया ये आत्मा में लोक ने अलोक प्रतिबिंब थी गया अपनी या एक समय की पूर्ण पर्याय प्रकट हुई उसमें लोकाल प्रतिबिंब हो गया यहाँ देखने का नहीं आई देखते हैं सब देखते हैं समझ में आया निज माई लोक लोक पर जाय प्रतिबिंबित रहे अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय धन्य है जी जीव नर भाव भव पाय कार्य किया तीन ही अनादि ब्रह्मांड पंच प्रकार सजीवर सुख लिया जेने मनुष्य भव पामी अने ऐसा आत्म अनुभव करके केवल ज्ञान पाया घड़ा सौता सादी अनंत सिद्ध हो गया उसकी दशा में लोकालोक जानाते हैं लोकालोक आम जानने नहीं पड़ता अपनी पर्याय में देखते हैं लोकालोक जानने में देख आता समझ में क्या भैया अरे कैसे मगज माजी नहीं समझ में आए कैसे
वो भावासर अपने लिए कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा मिथ्या द्वारा आश्र रूकते हैं, शुभ उपयोग न अशुभ उपयोग दोनों बंद के कारण है, ऐसा सम्यक दर्शी जी पहले से जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभा स्वभाव होता है, किंतु यह दोनों को बंद का कारण मानता, स्वभाव में जितनी एकाग्रता हुई इतना शुद्ध ने मोक्ष का मार्ग, जितना शुभाशुभ परिणाम है इतना बंद का मार्ग ज्ञानी जानते हैं, है उसको मोक्ष का मार्ग जानते हैं। कर्म धारा ने ज्ञान धारा भी ज्ञान है नहीं है संबर, जितना ठीक शुद्ध में लगाया और दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धता हुई वो ज्ञान धारा वो मोक्ष धारा, जितना राग आदि रहा वो कर्म धारा वो बंध धारा। इस समय में साधक को दो धारा होती, समझ में आया है? समझ के है ना, आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई इतना निर्मल संवर निद्रा है, और जितना राग है इतना बंध का कारण, एक समय में दो है ना, दो न हो तो पूर्ण मोक्ष हो जाए, कम इच्छादर्शी हो जाए, समझ में आया? शुद्धता ने अशुद्धता एक समय में दो है, जितना आत्मा में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति प्रकट किया इतनी शुद्धता, और जितना जी राग रहा है पंच महाव्रत का मुनि को आदि विकल्प है बार व्रत का, ये विकल्प राग है, ये विकल्प राग या शुद्ध है बंध का कारण है। तो कर्म धारा ने ज्ञान धारा वो एक समय साधक में चलती, साधक साधक की बात चलती है ना, मोक्ष में तो पूर्ण हो गया, मोक्ष में रहे नहीं, एक पूर्ण पूर्ण आनंद शुद्ध धारा हो गई। सम्यक दृष्टि के साधक है ना, सम्यक दृष्टि पांचवें चौथे छठे सबको दो धारा रहती है, समझ में आया? जो पूर्ण शुद्ध हो जाए तो मोक्ष हो जाए, पूर्ण एकली अशुद्धता हो तो उसको मिथ्या दृष्टि में है, समझ में आया? एकली अशुद्धता पुण्य पाप ने मिथ्या भ्रांति एकली अशुद्धता वो तो संसार मिथ्या दृष्टि है, एकली पूर्ण शुद्धता मोक्ष है। जब साधक जीव को मोक्ष मार्ग हुआ तो अपना चैतन्य में जितनी एकाग्रता चित लगाया इतनी शुद्धता है, और बाकी रहा राग इतनी अशुद्धता है, वो अशुद्धता बंध का कारण है, शुद्धता समर इंद्र का कारण है। मिथ्यात में तो एक ही धारा शुद्ध, क्या तो एक ही है मिथ्यात है अज्ञान, एक ही अशुद्ध धारा है, है? मिथ्यात में क्या है तो एकला अज्ञान है। संयक दर्शन में शुद्ध धारा ने अशुद्ध धारा दो रहती है, मोक्ष में एकली शुद्धता, मिथ्या दृष्टि में क्या है पुण्य पाप मेरा है ऐसे मानते हैं उसमें एक ही मिथ्या अशुद्ध धारा ही है, मिथ्या भाव ये किला पड़ा है। ना ना कुछ है मंद कसाय उठती हुई कसाई सब कर्म चक्र है, सब मिथ्या भाव एक किला अशुद्ध भाव है। आई तो कहते हैं निचले में शुद्धता सत्ता दोनों भाव होते हैं, इसलिए साथी होते हैं, हम कहना है भगवान आत्मा अपना चित जितना अंतर शुद्ध में लगाया दृष्टि ज्ञान स्थिरता इतनी शुद्धता, जितनी अस्थिरता बाकी है राग आदि इतनी अशुद्धता। सम्यक दृष्टि को मुनि को भी दो धारा है, जितना राग है इतना बंध का कारण है, जितना स्वभाव की एकाग्रता की शुद्धता है वो सम्मरिद्रा का कारण है। समझ में आया? दोनों बंद का कारण है सुबह सुबह, इसलिए समझ जी स्वद्रव्य के आलमन द्वारा, देखो स्वद्रव्य के ज्ञान द्वारा आलमन द्वारा जितने उसमें शुद्धता करता है उतने उसमें उसे समर होता है, जितना उसमें आत्मद्रव्य में चित लगाया एकाकार सुबह परिणाम कर रही इतना संभव है, और वह क्रमश शुद्धता में वृद्धि करके पूर्ण शुद्धता प्राप्त करता है, ये समर भावना है, ये समर भावना हुई। अरे निर्जरा
सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा भावना भावते हैं। मुनि भी निद्रा आदि पांच भावना अबार भावना करते हैं। हाँ करता है आत्मोक्ष ज्ञान पीछे समर इतने पूर्ण शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता पूर्ण चरित्र हो गया ऐसा लेना अपूर्ण नहीं रहा। अरे जी निद्रा शुरू होती है वो तो क्या सुख सुख संबर लय सुख अवलोक एम है तो उसका सब पूरा कर दिया। निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना बोला मारे सुन भाई न तो बोलता के क्या निज कार न सरना ए तेरा पंथी मारे से कानक पशु न तेरा पंथी से नितरा मिथ्या दृष्टि में गमे क्यों करे तो नहीं कहीं निज कार न सरना यहाँ निज कार न सरना निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे। एनो शब्दार्थ देखो निज काल पाए अपनी अपनी कर्म की स्थिति पाकर जो पूर्ण होने पर पाकर इसलिए कर्म फिर जाते हैं उससे तो जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता। क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि जो कहीं अपना कर्म जो पूर्वे बांधा थे वो बांधे का पाक आया वो पाक आकर फिर जाते हैं वो तो समझ में आया स्वविपाक स्वविपाक निर्जरा कहते हैं। क्या किया पूर्व का कर्म बंद भी पड़ा है हृदय आकर पाका पाकाया फिर जाते हैं जो उसमें लिखा है देखो अंदर कहीं जार में जो आप पक्कर फिर जाते हैं ना ऐसा लिखा है अंदर में जार पूर्व का कर्म आया वो फिर जाए वो तो उसका पाक आया फिर जाता है उसमें आत्मा का कोई कार्य सिद्ध होता नहीं अपने लाभ उसमें कुछ है नहीं उसमें अपना कार्य नहीं होता उसमें क्या कार्य हो पूर्व का कर्म आते हैं उदय में तो फिर जाते हैं वो तो प्रत्येक प्राणी को है निगोद को भी है एक इंद्रिय से मानकर मिथ्या दृष्टि आदि सबको जो पूर्व का कर्म आते हैं फिर जाते हैं उसमें के आत्मा का कार्य फिर नहीं होता। किंतु जो निर्जरा तप करी जो कर्म छिपावे तब की व्याख्या स्वरूप का आनंद का अवलंबन लेकर इच्छा की उत्पत्ति न हो उसका नाम तप। क्या प्रपंति की तप सपंति की तप भगवान आत्मा अपना शुद्ध दृष्टि लगाया है पीछे विशेष शुद्धता में एकाकार होना अतिंद्रिय आनंद का ओप पर्याय में आना प्रतपंति की आत्मा उग्र निर्मल पर्याय से शोभित हो उसका नाम भगवान यथार्थ तप कहते हैं। नीचे लाएगा देखो समझ में आया प्रतपंती तप ऐसा है ऐसा न थोड़ी ना शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्म फिर जाते जो अंदर लिखे बाबा समझता है आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्म फिर जाते हैं वो बाबा समझता है चौथी पंक्ति शब्दार्थ में यहाँ है देखो आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा इतला प्रतपन नहीं काय क्लेशा भी नहीं शुद्ध प्रतपन भगवान आत्मा अनाकुर आनंद की जो दृष्टि हुई है उसमें उग्रता का लीन होकर प्रयत्न प्रक्षेप
विशेष पुरुषार्थ की जागृति स्वभाव तरफ हुई है, उसका नाम तपसा कहने में आता है। समझ में आया? बाहर का बार प्रकार तप तो शुभ भाव है, तो अनंत बेर किया उसमें क्या आया, वो तो कर्म करते हैं पूर्व का अनंत पढ़ाई। दर्शन ज्ञान चारित्र पीछे तप लेता है ना, पहले संबर में लिया था दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ तो रुका, अबे तप, तप का अर्थ क्या कि उग्र जो शुद्धता है उसमें उग्रता शुद्धता बढ़ी अंतर में। इतनी जैम सोना में सुवर्ण गिरु लगाकर, गिरु होता है गिरु, गिरु लाल गिरु सोना पर गिरु लगते हैं तो शोभते हैं, सोना ऊपते हैं, ऊपते हैं, शोभते हैं, प्रदीप्त हैं, चकचकाहट होता है सोना ऊपर गिरु लगाने से। ऐसे भगवान आत्मा अपना शुद्ध में चित दिया था, उसने विशेष एकाग्रता रूपी गिरु लगाया था, विशेष शुद्धता में आनंद की अतीन्द्रिय आनंद का प्रतपन अंदर में हुआ कि आत्मा की पर्याय में महा उग्र शुभायमान दशा हुई, आ उसको तप कहते हैं। ओ निर्जरा का कारण चारित्र करता भी तप की विशेष व्याख्या है कि नहीं? चारित्र है स्वरूप में लीनता, दर्शन में प्रतीति, ज्ञान में ज्ञेय का भान, सखा चारित्र में लीनता, तो तप में भी उसकी विशेष उग्रता, उसका नाम तप है। समझ में आया? ये वो तप के जाता बार 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 वर्ण के हाँ समझ आवा के जाता, ये बात नहीं, आवा तप अंदर भगवान ने किया था, बार अंदर मां ध्यान अग्नि लगाई, ऐसा अग्नि का प्रज्वलित प्रज्वलित आनंद को प्रज्वलित करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद में उग्र अनुभव करते थे, उसका नाम तप है। तब इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती थी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद के स्वाद का अनुभव में। समझ में आया? लोगों का बाहर के आर न लिया ना न खाया के तप है, अब ये तो अनंत वेर किया है उसमें आया, वो तो बाहर की चीज है, आना न जाना परमाणु का तो मुख्य काम है, और इच्छा कदाचित मंद हुआ हो तो ये पुण्य है, हैं? हजार लाखों एक क्षण में होता है, आया ना वो मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे कुपजायो, आया ना पहले मुनि व्रतधार अनंत बैर ग्रवे कुपजायो, आत्म ज्ञान भी ले सुख न पायो, ये आत्मज्ञान त्रिगुप्ति में अंदर रुक गया, मन से वाणी से देह से रुककर अंदर में स्थिर हो गया, एक क्षण में जो शुद्धता प्रकट होती है कर्म का नाश करते हैं। ये आत्मा की कीमत न मिले इसे आ जाने न खाऊ न पीऊ ने मत कर, ये तप अने तप की कर्म कपे राग पड़े थे हेली आए तो कहते हैं आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्म को नाश करती है, वो अविपाक अथवा सकाम निद्रा है, अविपाक निद्रा अपना पुरुषार्थ का अनुभव करके आनंद का अनुभव करके जो कर्म फिर जाते हैं उसको अकाम निद्रा न करके सकाम निद्रा है, और स्विपाक नहीं पर वो अविपाक है। यह मुख सुख का दिखलाती है, देखो संवर में ये भी लिया संवर लई सुख अवलोक है, अस्थिर सुख दर्शाए, हाँ निर्जा करते 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 शुद्धता आनंद की बढ़ जाए, अतीन्द्रिय आनंद करते करते पूर्ण आनंद हो जाए, उसका नमोक निर्जरा में सुख है, दुख नहीं आनंद है, ये अपवाद करने से कष्ट दिखते है वो तो राजन है। अंतर में आत्मा में अतीन्द्रिय का आनंद स्वाद में जिसको खबर नहीं कि इच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं,
ऐसा आनंद में मुश्किल अति इंद्रिय में मुश्किल हो जाना उसका नाम तप है। समझ में आया? बाकी लांघन है। आया ना टोटल ये निद्रा करते करते शिव सुख को दर्शाती है। वर्तमान में भी निद्रा शिव को दर्शाती है। निद्रा में भी जब संवर में सुख का भान है तो निद्रा में भी सुख की विशेष वृद्धि का भान है। समझ में आया? जब संवर में सुख का साक्षात्कार होते हैं तो निद्रा में विशेष शांति का आनंद का साक्षात्कार होता है। एम कहते हैं निद्रा है जी ने कर्म की तकर्म पर तेरे आनंद की वृद्धि हुई कि नहीं? अतिन्द्रिय आनंद की वृद्धि होना और निद्रा है। सदुपयोग को निद्रा कहा है। समझ में आया? कहते हैं मुक्त सुख दर्शावे अवलोक के जाए दिखा रहे थे बदारे दिखा रहे थे। संवर में जितना सुख है उससे निद्रा में विशेष आनंद है उसका नाम निद्रा कहते हैं। ऐसी भावना सुनने दृष्टि यथार्थ पुण्य बातें।